बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। सिद्ध बाबा मंदिर की जय। जय श्री राधे। हाँ सब चुपचाप बैठ जाओ। हाँ देखो आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज आपका गांव में वृंदावन के संत लोग आए हैं, इसलिए शंकर जी माता पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती, साधारण भाग्य से संतों का दर्शन नहीं मिलता, इसलिए शंकर जी कहते हैं सत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक ओंकार। बोले पार्वती, अगर जीवन में एक निमिष एक घड़ी आधी से पूरी आज तुलसी सत्संग में नासे कोटि अपराध। जीवन में अगर थोड़ी सी सत्संग मिल जाए तो हमारी करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पाप है वो तो सारे पाप हमारी नष्ट हो जाता है, हैं? इसलिए आज हम लोग ए बात मत करो, ए गोपिया, ए गुजरी, कोई बात मत करो, क्यों बात कर रहे हो, बात मत करो, अब तो जिंदगी में बात ही करोगे। यहाँ पर संत लोग आए हैं, उनसे तो थोड़ी सी ज्ञान ले लो, हैं? इनसे थोड़ी सी ज्ञान ले लो। देखो ये सत्संग की कितने महिमा, ध्यान करके सुनो। एक समय श्री नारद जी भगवान को पास नहीं गए। बोले ठाकुर जी, हर शास्त्र कहता है बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। हर शास्त्र कहता है जीवन में सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। क्यों शास्त्र में ये सत्संग की बात क्यों बताते हैं? आप कृपा करके थोड़ी सी हमें सत्संग की महिमा बताओगे? सब ध्यान करके सुनो, सबको बाद में पूछूंगा मैंने क्या कथा सुना। इतने में भगवान कहते हैं, देखो अगर तुम सत्संग की महिमा समझना चाहते हो, एक काम करो, जंगल में अमुक स्थान पर जाओ, वहां देखोगे कि गिरगिट है, वो गिरगिट तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। बोले भैया गिरगिट क्या बोलेगा? बोले जाकर पूछना, वही बताएगा तुमको। सचमुच से जब वहां पर गए देखा कि गिरगिट ही है। अब लोग गिरगिट देखेंगे नहीं, गिरगिट देखे ना। जब गिरगिट को उन्होंने पूछा, ठाकुर जी आपको पास में भेजे हैं सत्संग की महिमा बताने के लिए, आप थोड़ा बताओगे? अब देखना गिरगिट ऐसे मुंडी हिलाता है, देखे कि नहीं, ऐसे सा हिलाता है। बोले बताओ ना ठाकुर जी, बोले सत्संग की क्या महिमा? जब उसने दो तीन बार बोले, बोलते ही जो गिरगिट था ना वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया, वहीं पर अपने मर गया। नारद जी बोले ये क्या बोलेगा, ये तो मर ही गया, ये क्या बोलेगा? फिर वापस आए, बोले ठाकुर जी आप किसको पास में भेजे? उसको पूछते ही दो तीन बार उसको शरीर छोड़ दिया। बोले एक काम करो, अमुक जंगल में जाओ, एक तोता तुम्हें सत्संग की महिमा बोलेगा। बोले तोता क्या बोलेगा? बोले जाकर के पूछो। जब उन्हें तोते को पास में गए और सत्संग की महिमा बताए, इतना भी दो तीन बार पूछते ही वो तोता भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो रहा है, सब तो मरते जा रहे हैं, ये सत्संग की महिमा क्या बताएगी? फिर वापस आए, बोले ठाकुर जी क्या हो रहा है, ये दो दो प्राणी की हत्या हो गई। बोले बताओ सत्संग की महिमा। बोले एक काम करो, बचा बैठ जाओ, अब किसको कुछ मत दिया करो, चुपचाप बैठ जाओ। बोले एक काम करो, अमुक स्थान पर जाओ, एक गैया ने बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़ा तुम्हें बताएगा। बोले बछड़ा बोलेगा? बोले हाँ, सचमुच से देखा गैया ने एक बछड़ा जन्म दिया। उसको जब दो एक बार पूछा, इतने में बछड़े भी सही छोड़ दिया। फिर वापस आए, बोले ठाकुर जी क्या हो रहा है, सब के सब तीन तीन प्राणी मेरे से मरवा दिया आपने। बोले ये लास्ट बार है। बोले बताओ कहाँ पर? बोले अमुक राज्य में जाओ, राजा का एक बेटा हुआ है, वो बेटा बोलेगा। नारद तो दुखी हो गए, बोले इस बार अगर बेटा शरीर छोड़ दिया ना, राजा तो सीधा जेल में बंद कर देगा, ये कहाँ भेजे? सचमुच से देखा राजा के बेटा है। जब उसने जा करके बोले सत्संग की महिमा बताओ,
बोलते ही बच्चा तो रोना शुरू कर दिया, बोले हो गया इसका भी काम हो गया। लगता है राजा को अगर पता चलेगा तो सीधा जेल में दे दे, भागे वहां से। इतने में वो बच्चा किया था, जब से जन्म लिया है तब से बच्चा रोया है। अगर कोई बच्चा जन्म से रो नहीं रोता है ना, इसका मतलब वो गूंगा है, वो गूंगा है। देखना अगर रोता नहीं, बच्चे जन्म होने पर उसको थप्पड़ मार मार के उसको रुलाते हैं। बच्चा नहीं रोएगा तो परिवार पूरा रोएगा। वो बच्चा जन्म से था गूंगा, लेकिन नारद जी का दर्शन मात्र से ही उसका गूंगापन खत्म हो गया। लेकिन नारद जी को तो ये बात बताई नहीं, नारद तो भगा वहां से। एक दासी ने राजा को बोले, महाराज आपको जो बच्चा है ना रोना शुरू कर दिया, मतलब जो गूंगा था सही हो गया। बोले कैसे? बोले कोई एक संत आए थे, वो संत दर्शन मात्र से ही पता नहीं रोने लग गया। बोले संत को बुलाओ। और भगे, बोले बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। नारद से तो हो गया था, लगता ही बच्चा मर गया, सीधा जेल में दे देंगे। नारद तो भगे वहां से, बोले बाबा रुको, जल्दी जल्दी जाकर पकड़े बाबा को। बोले क्या बात है? बोले राजा आपको बुला रहे, आपके घर जाए। राजा बुला रहे। इतने में बोले, इतने में आते ही राजा नारद जी के चरण में गिरे। बोले बाबा मेरा ये बच्चा जन्म से ही रोता था, लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही उसका गूंगापन खत्म हो गया, इसलिए आपकी बड़ी कृपा, आओ मेरे बच्चे का आशीर्वाद। जब आशीर्वाद देने के लिए आए ना, देखो बच्चा बोल पड़ा। बोले नारद जी सत्संग की महिमा समझे नहीं? बोले अभी भी नहीं समझे। बोले बताओ। बोले पहले मैं गिरगिट था, लेकिन जब आप मेरे पास में दर्शन करने आए हो, आपकी दर्शन मात्र से ही, शास्त्र कहता है गंगा में तो स्नान करने पर जाकर के पाप नष्ट होता है, लेकिन संतों को दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ताली बजाओ जोर से। कहते संतों का दर्शन, इसलिए शास्त्र में बताया पुंसम अथनो सभी तुर्जता। उदाहरण दिया, जैसे सूर्य उदय होने पर देखना अपने आप अंधकार दूर हो जाता है, इसलिए अगर कहीं एक संत जन्म ले, या शास्त्र कहता है जहां पर एक संत जन्म लेते हैं उसकी प्रभाव से ये करोड़ों जोजन का भूमि का कल्याण हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जोजन कहते इनकी दृष्टि कितना दुर्लभ दृष्टि जाए, क्यों? उनका जो दृष्टि है उनकी आंखों में बांके बिहारी बैठे हैं, राधा रानी बैठी हुई है, इसलिए इनकी दृष्टि कितने दूर तक तो जाए सारे पाप को नष्ट कर देता है। जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है, और भगवान का कीर्तन में प्रेम में जो नृत्य करते हैं उनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी भी अपने आप को धन्य धन्य मानती है, एक संतों की चरण हमें प्राप्त हुआ है। देखो आपका गांव में, देखो कोई यहाँ सिद्ध बाबा थे, सिद्ध बाबा मंदिर बोल रहे हैं ना, एक बाबा हुए तो सारा दुनिया बाबा के मंदिर में क्यों आते हैं? बाबा ने भजन किया, भक्ति की है, तभी तो आप लोग आते हैं ना, मन को शांति के लिए तभी तो आते हैं ना। तुम्हारी बरसों में एक मोहन बाबा जन्म हुई, मोहन बाबा का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो मोहन बाबा? सब जानते हो। देखो एक मोहन बाबा ने पूरा गुजर समाज को ही कल्याण किया, ताली बजाओ उनके लिए करते हो। इसलिए यहाँ पर वो राजा का बेटा कह रहे हैं पहले मैं था गिरगिटी, लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गया। फिर मेरे को ऊंचा जन्म मिला, कौन सा? तोता भी जन्म मिला। फिर आप दर्शन के लिए आए, फिर दर्शन मात्र से तोता शरीर खत्म हो गए। उसको बाद में मैंने बछड़े जन्म लेकर के आए, कहते बछड़े में गैया में हम गो माता कहते हैं ना, गो धन कहते हैं, उनकी शरीर में 33 करोड़ देवता की निवास गैया का जन्म होता है। कहते गैया जन्म के बाद में कहीं इंसान जीवन होता है। फिर आप आए, आपको दर्शन मात्र से ही जितना हमारे पाप नष्ट हो गया, घर में राजा का घर में बेटा बनकर जन्म लिया, राजा घर में हमने बेटा बनकर जन्म लिया।
लेकिन जन्म से ही गुंगा था, लेकिन जब है आप आए है आपको दर्शन करते ही मेरे गुंगापन भी खत्म हो गया। गुंगापन खत्म हो गया कि मैं फिर बोलने लग गया, फिर आपका दर्शन मिल गया ना, अभी चिंता नहीं। जब किसी संतों को दर्शन मिले क्या समझनी चाहिए। इसलिए विभीषण हनुमान जी को कहते हैं, आज मोए भाव भरसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता। जो रघु मेरी मही अनुग्रह की तो मोई तरस चैतन्य लगता है, आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कृपा हो गई। तब भगवान की सबसे प्यारे श्री हनुमान जी का दर्शन हमें हुआ है। लगता है अभी ठाकुर जी की प्राप्ति में कोई देर नहीं, कोई देर नहीं, जल्दी जल्दी हमें ठाकुर मिल जाएंगे। समझ रहे कि नहीं। इसलिए समझो आज तुम्हारी गांव की धन्य है, क्योंकि आज वृंदावन से संत लोग आए, तुम्हारे गांव गांव में गली गलियों में हरि कीर्तन किया है। इसलिए शास्त्र कहता है, सर्व व्याधि उपशमनम, सर्व रोग उपशमनम, कहते शांति गम ख्यातिरिष्टम हरि नामान कीर्तन। जिस गांव में हरि का नाम हो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि, कहते गांव का जितने दुख और कष्ट सबके सब खत्म हो जाती है। जब भगवान की कीर्तन गांव में भगवान की कीर्तन हो, ठीक है ना। इसलिए आज आपके गांव में संत लोग आए हैं, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं, थोड़ी थोड़ी पांच पांच मिनट सबके सब भगवान के बारे में बताएंगे। और विशेष करके ये कली युग में भगवान सबसे सरल उपाय दिए, बोले कली युग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में भगवान का नाम, हाथों में काम और मुंह में जोर से बोलो नाम नाम, बस बड़ा बात है। बिना पैसा बिना खर्चा की हैं, बस भगवान का नाम से जीव का कल्याण होगा। इसलिए हमारे भक्त लोग आपको थोड़ी थोड़ी कलयुग में क्यों हरि नाम करनी चाहिए, हरि नाम की क्या महिमा है, मर्जी प्रभु जी भरे, ये सब के सब भगवान के नाम को बड़े बता सकते हैं। कम से कम इनके ठाकुर का नाम ले लीजिए, ये भी गुजर है, आप लोग तो ये गुजर है। ये आपने झुंडपुरा नाम सुने हो, झुंडपुरा, झुंडपुरा के इनका भैया भी वहाँ के नेता है इनके भाई, इसलिए अक्सर करके हमारे साथ में जो जुड़े हुए ना वो प्राय करके गुजर समाज है। ये गुजर कौन है, ये कृष्ण गुजर है, तुम गुजर ही ना, गुजर कौन है राधा है, ये गुजर नहीं सब गोपियां हैं। इसलिए तुम लोग बड़े भाग्य हो जो कि गुजर घर में जन्म हुए हो, गुजर साधारण नहीं है, ये कृष्ण की गोपी और कृष्ण की सखा लोग गुजर है। इसलिए बड़े भाग्य से कहीं, इसलिए कहते ना गुजरिया कोल तिवरिया तेरे घर में आया। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तुम लोग बड़े भाग्य जो गुजर घर में जन्म हुए, काली बजा तुम लोग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव मित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद हरवंश परिव्राजकाचार्य के दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानंद गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ।
यहाँ पर जितने भक्त लोग आए, ब्रह्मचारी लोग, वैष्णव माताएं, प्रभु दीदी, सभी के चरणों में तथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है ना? कुछ नया देख रहे, इस गांव में कुछ नया हो रहा है। जब सब हम लोग इस गांव में आए थे ना, तो कहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जैसे हंस आ रहे हैं तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन पहन के लोग, कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे थे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से इस गांव में कैसे आ गए। तो हम जिस इस गांव में नगर संकीर्तन करते गए और सारे गांव में निमंत्रण देने गए, भैया आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तो बहुत लोग माताएं लोग तो आ गए, माता लोग सरल होते हैं ना, सीधे होते हैं, प्रभु लोग भी कुछ लोग आए और बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, एक गाँव में बहुत लोग है ना, हजार दो हजार तो होंगे, पर दिन सुन के अगर हमारी संख्या लगाओ, हमारी संख्या ज्यादा दूर से आए, हम लोग नोएडा से आए हैं, ग्रेटर नोएडा से, कोई फरीदाबाद से आए, हम लोग इतना दूर से आए हैं, आप लोग के लिए आए हैं, महाराज जी वृंदावन से आए, बहुत प्रार्थना किया, निमंत्रण दिया, फिर भी मंदिर भी बहुत बड़ा बना है और बहुत सुंदर छाया भी है, घर भी बाहर है, यहाँ छाया भी है, पंखा भी लगे पड़े, फिर कम लोग आए। क्यों? क्योंकि ये महाराज जी बता रहे थे, जो भक्तों का संग है और साधु की कथा में बैठना कोई व्यक्ति बैठ पापी व्यक्ति बैठ नहीं पाए। अरे सुच दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी घर होती है, बहुत धन है ना, रावण के घर सोने की लंका आती है, आपके घर सोने की ना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सोना होगा, संदूक में रखा हुआ, घर में बहुत सोना होगा, बहुत सोना होगा, पर दीवार सोने की नहीं होगी, दीवार सोने की, बाथरूम सोने का नहीं होगा, पर रावण की सोने की लंका थी, सोना ही सोना था और इतना ज्यादा शक्ति थी। हम लोग के पास कितना ऐश्वर्य हो सकता है, ज्यादा एक गाड़ी है, दो गाड़ी, स्कॉर्पियो, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, पूरी श्रीलंका देख रहे, पूरी पूरा देश उनका रावण का था, और किसी के हमारे कितने पुत्र है, दो चार छह आठ सवा लाख लाख पुत्र रावण, पत्नी की कौन सी थी, मंदोदरी, बहुत सुंदरी पत्नी थी, परंतु उनके पास विभीषण के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। विभीषण के पास क्या था, भगवान राम का नाम था, भगवान का नाम था और कुछ भी नहीं था। पर देखो सोने की लंका किसको मिल गई बाद में, बिना किसी कारण विभीषण को मिल गई, उसकी चाह भी नहीं, और जिनके पास सुत दारा और इतनी लक्ष्मी ऐश्वर्य था, सब का सब चला गया। तो हम ही जगत में बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, बहुत कम समय रहेंगे, और ये धन दौलत है ना, कहते ना सुन लो एक दीवाने एक दिन ऐसा दिन आएगा, दौलत के दीवानो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन खजाना यही रखा रह जाएगा ना, एक एक साथ में हमारा, और कितनी बड़ी हवेली हो, कितना ही धन हो, एक कदम भी नहीं जाएगा, आपका शरीर से निकलेगा वहां से गेट से। तो ये जो महाराज जी आए हैं, हम लोग आए हैं बताने के लिए, बहुत दुर्लभ चीज बताने के लिए आए, आप समझो। तो मैं भागवत या गुरु जी के द्वारा सुने, एक दो संत ध्यान के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बात और बोल रही थी माता जी, हमारे गांव की प्रधान जी चमन जी का घर के घर है, हम इनके घर गए थे, बचन से बचन इनके घर गए, इन्होंने संतों को बुलाया, घर में बैठाया और वहां प्रसाद भी कराया, कह रहे ये क्या, हरे कृष्ण हरि बोल, अब गांव में कितने सारे लोग हैं, गांव में कितने लोग हैं, कितने लोगों ने घर में बुलाया, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने घर में संतों का चरण पड़वाते हैं। जितने घर में संतों का चरण पड़ेगा, समझो सब दुख दूर, सब बाहर निकल जाएंगे। वहां कीर्तन किया, हरि बोल कीर्तन किया, और माता ने पानी पिलाया, पानी में कम से बैठने के लिए चादर बिछा दी। हमारे गुरु जी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति, ये हम ही लोग नहीं करते, हम लोग नहीं कर रहे, अमृत महाराज और युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, जब नारद जी आ जाते थे, नारद जी जैसे घर में आए, तुरंत इतना खुश होकर युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी महारानी, सभी लोग क्या होते थे, चादर बिछा के, पानी, फूलों की सैया बिछा के पानी पिलाते थे और उनके चरणों में पड़ जाते राजा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी
जब उनके घर में कोई संत महात्मा आ जाते हैं वैसे भगवान आदर करते हैं। पहले ऋषियों का जो बड़ा आदर सम्मान था संतों का और ऐसे संस्कारी व्यक्ति थे। यदि भी माता जी है इन्होंने बुलाया, बहुत सौभाग्यशाली है, दो मिनट भी बुलाया घर में, हमें महाराज जी बुला रहे कितने दिनों से कि महाराज जी एक मिनट के लिए आ गए, एक मिनट के लिए इतना समय नहीं हम लोग जाते, परंतु इनका ऐसा भावना हुई हर घर में से नरसिंह तो निकला और हमने भी कहा भैया चलो चलो कम से कम मंदिर आ जाओ, परंतु इनकी भावना ही माता जी ने घर में बुलाया, घर में कीर्तन भी करा, यहाँ भी माता जी आ गई। तो क्या ये संतों का घर में चरण पढ़ना या संतों के पास आके हरि कथा सुनना ये कम संस्कार से नहीं आता, बहुत जन्मों का जब कोई पुण्य संस्कार होता है, जब किसी साधु की कथा सुनने का मन करता है, उसमें बैठने का मन करता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली इस मंदिर में आए हैं, कम से कम पीछे पीछे तो आए, हमने एक बार बोला आप लोग हमारे पीछे पीछे आ गए इसे कम मत मानो, बहुत लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं, पर जो लोग आ गए हैं उनका बहुत सौभाग्य है। तो आप लोग आए यहाँ पर आपका बहुत विशेष सौभाग्य है। देखो ये मनुष्य जन्म जो आपको मिल गया है, हमको जो मिल गया है, कितना सौभाग्य कितना दुर्लभ है, इसकी हमें कीमत नहीं पता। हम लोग इसकी कीमत को हमें भी पता नहीं था, महाराज जी के पास थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि मनुष्य जन्म की कितनी कीमत है। तो मैं एक सुंदर से उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था, उसका क्या काम था, वो पेड़ काट के लाता था और उसका कोला बनाता था लकड़ी को और उसको बेचता था और 2 रुपया 5 रुपया उसको कमाई होती थी। तो उसको घर में खाने का भी था, एक टाइम का किसी तरह से खा लेता था, रात को भी खाने का। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा सेठ से उसका दर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा बड़ा सेठ बड़ा दयालु था, तो उसने कहा अरे भैया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कह रहे भैया कुछ भी नहीं है, कह रहे कोई भी नहीं, मकान नहीं है, दुकान नहीं, बोले कुछ नहीं है, अरे क्या आमदनी का साधन क्या है, बोले कि मैं ना लकड़ी का काम करता हूँ, बन बन से लकड़ी लाता हूँ, उसको कोयला बनाता हूँ और कोयला बेच देता हूँ, कोई 2 रुपए में बिकता है, कोई 5 रुपए में बिकता है। तो उसने कहा राजा की बड़ी दया आई, राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा बाग था 1000 गज का, उसको क्या किया, उसमें चंदन का लकड़ी, चंदन के पेड़ थे, चंदन की पूरी पेड़ का 1000 गज थे, वो सारा खरीद, बेटा आज सबके काम करने की जरूरत है, आज से क्या करो तुम इस चंदन का बाग ले लो और तुम्हारी गरीबी आज से दूर। उसे पता ही नहीं गरीबी कैसे दूर, उसका काम क्या था, वही लकड़ी को तोड़ के लाना, उसको जलाना, कोयला बनाना, बेच देना। अब हुआ क्या, 1 साल के बाद राजा उस घर में दोबारा से घर में आया, देखा वो व्यक्ति अभी भी गरीब है, देखा बेटा तुम अभी भी ये काम कर रहे हो, कोयला बना के बेच रहे हो, अरे मैं तो तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी देके गया था, आपने तुम अरबपति करोड़पति रहते कैसे, कहां करोड़पति हो जाता प्रभु, आपने जो लकड़ी का बाग देते गए थे मैंने जला के कोयला बनाया बेच दिया, कोयला बना के बेच दिया, अरे चंदन की लकड़ी की कीमत जानते कितनी थी, एक पेड़ की पेड़ है इसमें कितनी लकड़ी है, इतनी सी लकड़ी आती है वो 5000 रुपए की होती है चंदन की, अगर एक पेड़ की कीमत लगाओगे तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी, और ऐसे 1000 गज में बहुत सारे पेड़ थे, मतलब 50-100 करोड़ से देखे गए थे, उसे पता ही नहीं। उसने क्या किया, चंदन की लकड़ी को भी जलाकर कोयले के भाव 2 रुपए किलो एक रुपए बेच दिया, जिसकी कीमत कितनी थी 1 करोड़ 2 करोड़, पूरा गांव आपका लोहारी गांव पूरा आ जाएगा, तुम्हारा 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी देखे गए उसने बेच दी। फिर उसको बताया भैया चंदन की कीमत क्या है, कि ये कितनी दुर्लभ चीज है, और वो तो माथे पकड़ के रोने लगा। तो हम लोग भी आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली, मनुष्य जन्म की कीमत जानते हैं आप, इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग सारे कष्टों को त्याग करके भगवान के धाम आनंद के धाम भगवान के धाम जा सकते हैं। अभी हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, कोयले के भाव बेच रहे हैं, कोयले के भाव जानते हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना बड़ा कर देना शादी कर देना और बस संसार से चले जाना, हमारे दादा परदादा भी करते आए हम भी वही कर रहे हैं। तो एक कोयले के भाव कोई बड़ा बात कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर सोच रहे हो हम लोग इस
संसार में आए हैं, चार बच्चों को जन्म देते हैं, उनको बड़ा कर देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, हमारा काम हो गया। जाते लोग ये काम हुई है, तुम्हारी शादी होगी, अरे तुमने तो गंगा जी नहा लिए, बस इससे बड़ा कोई काम नहीं है। पर आप तो जानते हो कोई सा ऐसा पशु नहीं है जो बच्चे पैदा नहीं करता, जो खाता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो पीता नहीं है और जो बच्चों को बड़ा नहीं कर देता। और हम लोग उस काम में भी फेल है। देखो गधा भी खाता है, सोता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, सुअर भी खाता है, पीता है, सोता है, हम में कौन सा ऐसा बड़ा काम करके जा रहे हैं? हाँ वो लोग क्या है, वो लोग आप क्या कह रहे हो, वो तो खेतों में खाते हैं, भैंस गाय जो होती है भैंस वो खेतों में खाती है, घोड़ा इधर खाता है, हाँ? हम लोग घर में बैठ के खा रहे, एक ही बात है, टेस्ट में अंतर नहीं है ज्यादा। वो घास में जो सुखा रहा है वही आपको मटर पनीर में आ रहा है, और सुअर सुअर को जो टट्टी खाने में आनंद आ रहा है वही आपको जलेबी खाने में आनंद आ रहा है, कोई आनंद अलग नहीं है। और जो आपको सोने में जो आनंद आ रहा है पलंग पे, वो भी जो एक बैल है जो सो रहे ना कुत्ता पेड़ के नीचे, देखो इतने आराम से सो रहा है, वो ही उसको सुख मिलना बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा कौन सा काम हम करें जो इनसे अलग हो जाए? करें इनसे अलग होने का काम क्या है, इस भवसागर को पार करके यहाँ सुखी नहीं रह सकते कोई भी व्यक्ति। आप कितने भी समय रहे हो यहाँ पर, बारंबार जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, पैसा एक समय तक काम करता है। जब ऐसी रोग लग जाता ना, अभी हमने देखा है करोड़पति व्यक्ति के बच्चे को कैंसर हो गया, उन्होंने पूरा पैसा लुटा दिया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया तो बचा नहीं पाए, बच्चे को बचा नहीं पाए। इसलिए बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी रोक नहीं पा रहे हैं, तो पता आपको कोरोना को सारे जगत देखते कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे पूरा विश्व। तो इस जगत में लोग हम लोग सुखी नहीं रहेंगे, तो सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय है यही महाराज जी जो लेते हैं भागवत कथा में, भगवान ने कहा है जीव कब सुख होता है, कब जीव को शांति मिलती है, तो बोलते हैं भगवत गीता में बताया है तत्प्रसादा परा शांति। क्या? जब भगवान की शरण में हम जाते हैं, भगवान की जाने की, भगवान की शरण में हम जाएंगे, किसी गुरु की शरण में जाएंगे, संतों की शरण में जाएंगे, हम लोग सुखी हो जाएंगे। और कोई भी उपाय नहीं है सुखी होने का। और यहाँ होगा भगवत गीता बताए यद गत्वा नानिवर्तन्ते तद् धाम परम मम, ऐसे धाम है वहां जाने के बाद ये व्यक्ति क्या हो जाता है, यद गत्वा नानिवर्तन्ते, वापिस जगत में मृत्यु संसार में आता नहीं है, वहां मृत्यु भी नहीं है, वहां बुढ़ापा भी नहीं है, वहां रोग भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, करोना का नाम भी नहीं है, वहां पर कैंसर का नाम भी नहीं है, टीबी का नाम भी नहीं है, किसी बीमारी का नाम नहीं है। क्या है वहां पर? अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण है, वहां क्या है किसी प्रकार का भय नहीं है वहां पर, और आनंद ही आनंद है वहां पर। ऐसे धाम से महाराज जी आए हैं वृंदावन धाम से बोलो, और वहां लेने के लिए आप लोगों को आए हैं। तो आप लोग इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो, और आप लोग भी कोई ज्यादा, एक बार हमें गया किसी गांव में, पहले गांव में गया तो हमने कहा माता जी भजन करना चाहिए, अरे बेटा भजन क्या चीज होती है पता ही नहीं, पहली बार सुना। अब भजन क्या है? भजन कुछ कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। बहुत क्या है भजन करने का मतलब, आप जो कर रहे हो इतनी मेहनत कर रहे हो और भजन करने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे यहाँ से कोई चीज उठा के आ रहा है तो बस इतना भजन है। अब भजन सब लोग क्या होता है, भजन मतलब होता है प्रेम या सेवा। सेवा कोई भजन कहते हो किसकी करने ही देख रहा है, सेवा तो आप सबकी कर लो। एक बच्चे को हम गर्भ में रखते हैं 9 महीने, माँ गर्भ में रखती है 9 महीने तक रखती है, फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर उसको लैट्रिन बाथरूम साफ करती है, बच्चे को पालती है, दूध पिलाती है, फिर धीरे धीरे स्कूल में भेजती है, नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, ऐसे भेजती है, पालन पोषण करती है, सेवा तो कर रही है, पति की सेवा करती है, पति आता है उसे रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, तरह तरह से दे रहे हैं, खेत में काम कर रही है, यही सेवा कर रही है। परंतु ये सेवा हमें कहाँ करनी है, ये तो करनी है यहाँ, करना कर्तव्य है, और यही सेवा भगवान के साथ करनी है, ये संतों के साथ करनी है। आप कहोगे हम क्यों करें संतों, हमें क्या मिलेगा? अगर घर की करेंगे तो घर वाले को कुछ पैसा देंगे, ला के देंगे, बच्चा नौकरी से ला के देगा ना, उसमें कुछ देगा। तुम्हारी सेवा क्यों करें, भगवान जी क्यों करें? देखो आपने कुब्जा का नाम सुना है, कुब्जा, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, वो कंस में, वो मथुरा में रहती थी,
और मथुरा में कंस को रोज चंदन लगाने जाते थे रोज। पर एक दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए, भगवान क्या है, भगवान जहां पर आते वहां आनंद ही आनंद बरसता है। अशोक का भय अमृत आ गया, वहां शोक नहीं रहता किसी प्रकार का। जब भगवान मथुरा में आए तो कुब्जा के पास भी आए, तो कुब्जा कुरूप थी, कोई उसे देखता नहीं था, बहुत कुबड़ी थी, मुड़ी थी, तीन जगह से टेढ़ी और शरीर भी सुंदर नहीं। तो कृष्ण को देखा और देख के बीच गई, तो बड़ी उसको बड़ा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ गया। और चंदन कंस को लगाने के लिए जा रही थी, और वो चंदन किसको लगाने लगी, कृष्ण को चंदन लगाने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो चंदन है तुम किसके लिए ले जा रही हो, बोले ये तो कंस के लिए मैं लगाती रोज। बोले कंस के लिए आज लगाओगे नहीं, बोले नहीं प्रभु आज नहीं लगाऊंगी। बोले क्यों, बोले मैं आपके लिए लगाऊंगी। तो तुम डरनी है कंस को मार देगा, तो कहते बोले कंस मारे तो चिंता नहीं, आज मैं किसी प्रकार का कंस किया हूं, वो क्या वो विश्व सुंदरी बन गई, बड़ी सुंदरी बन गई, जिसको कोई देखता नहीं था, टेढ़ी थी, कोई पूछता नहीं था, कंस की सेवा करती रही जीवन भर करती रही और कुछ भी लाभ नहीं मिला, भगवान की सेवा थोड़ी सी की, थोड़ी सी क्या मिल गया, विश्व सुंदरी मिल गया, अशोक मिल गई और वहां पर सारा जगत में पूजनीय बन गई। अगर आप भगवान की सेवा करोगे ना, आप भी पूजनीय बन जाओगे, सारा जगत आपकी पूजा करेगा और आपका शांति सुख मिलेगी। और अगर घर में ही करते रहोगे तो बेटा कहेगा माँ तुमने मेरे लिए कौन सा काम किया, बड़ा कर दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, शादी कर दी तुम्हारे कर्तव्य, और शादी होगी ना पहले दिन शादी होगी तो बस धीरे 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 माँ के पास आना कम, और होगा तो एक बार की बात है, एक नई दुल्हन घर में आई, 25 साल माँ ने लाल पालन पोषण किया, घर पढ़ाया लिखाया माता पिता ने बहुत, और एक घर में जैसी शादी आई और वो तो लड़ने लगी, बहू आके बोलने लगी या तो मम्मी को माँ को छाट लो या मेरे को, दोनों में एक को ले लो। वो कहती भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी माँ है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो माँ माँ के पास चले जाओ। अब वो छोड़ना भी चाह रहा पत्नी को, पत्नी तो भैया बढ़िया गरम गरम रोटी और अभी अभी नई नई बना रही है, मीठी मीठी बात बोल रही है, गोलगप्पे गरम गरम ठंडे ठंडे, तो क्या अभी क्या होगा, उसने पत्नी को भी छोड़ना नहीं चाह रहा और माँ को भी छोड़ना नहीं चाह रहा। पत्नी ने देखो एक को चुन लो, या तो माँ को या मेरे को। तो उसने क्या किया, अब बेचारा को नौकरी ढूंढी कमा के आ रहा, घर में आकर लड़ाई झगड़ा हो रहा, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा तो उसने कहा किसी तरह से समय काट लो, मैं तुम्हारे लिए अलग मकान बना दूंगा, तुम्हारे लिए अलग, और मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं है, किसी तरह का लो। तो पत्नी बोली नहीं एक दिन भी नहीं काटूंगी मैं इनके साथ। तो उसने कहा माँ मेरी पत्नी तो मान नहीं रही है, तो अभी मैं क्या करूं, तुम भी अलग हो जाओ। तो उन्होंने कहा माँ बेटा, माँ बोली बेटा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैंने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया। तो इसमें कहा तो माँ अपना हिसाब किताब बना दो 25 साल का, जितना बना हुआ है उतना बना दो। तो पत्नी कह रही है इतने मायके जा रहे हिसाब किताब कर दो, जब पूरा हो जाए तो बुला लेना मैं आ जाऊंगी, पर मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। तो उन्होंने हम ठीक है तुम मायके जाओ, मैं माँ का हिसाब किताब कर रहा। अब माँ ने क्या किया, माँ को बोला माँ तुम मैं तुम्हें पाला पोसा तो मेरे बारे में से पैसे ले लो, हिसाब किताब कर लो, मेरे साथ रहेगी नहीं, मैं इनके साथ ही रहना है, तो मैं तो इसको छोड़ नहीं सकता। तो माँ तो रोने लगी आंखों में, आंसू, बेटा तुम मेरे छोड़ने की बात कर रहा है तो, और हिसाब किताब की बात कर रहा है। तो माँ ने कहा बेटा मैं पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं, पढ़ी लिखी कम हूँ, अरे 25 साल का हिसाब है तो समय लगेगा थोड़ा, मेरे को एक महीने का समय दे दो। तो बोले हाँ चलो एक महीना ले लो, एक महीने में मुलाकात माई के लिए, पत्नी को बोला भाई एक महीने में आना। तो माँ थोड़ा हिसाब किताब कर लिया, अभी अभी समय लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब भयंकर सर्दी का महीना था, दिसंबर का महीना था, अभी क्या किया उन्होंने, माँ ने कहा जब बिल्कुल सर्दी पीक पे चली, जनवरी का पहला महीना आने वाला, हफ्ता आने वाला है, तो माँ एक दिन आई, माँ ने कहा बेटा मेरा हिसाब हो गया पूरा, पर हिसाब मैं ना मेरे को हिसाब अभी याद आया, 10 बजे रात के 10 बज रहे मेरे को हिसाब अभी याद आ रहा है, मैं लेके आ रही हिसाब, और कुछ सो जाए ना, थक भी रहा है कुछ सो जाए, गेट खुला रख के सोना, क्योंकि मैं भूल जाती सुबह तक, इतनी मुश्किल से हिसाब करा है, सर्दी का महीना, भयंकर सर्दी आप पता है,
सर्दी दिसंबर गर्मी की पाला पाला पड़ता देखा पाला कैसे पड़ता पाला पड़ रहा है इतनी भयंकर सर्दी है पानी में हाथ भी गया था। तो माँ ने कहा बेटा मैंने हिसाब कर लिया बेटा सो गया थक के आगे सो गया तो माँ ने एक लोटा पानी लेके आई और जहाँ बेटा सो रहा है रजाई है बिस्तर बिछा हुआ है माँ ने एक लोटा पानी घेर दिया बाएं कलर सो रहा था घेर दिया तो बेटा ने देखा ठंडे लग रही है और ऊपर से पानी पानी कैसा तो माँ ने करवट ले ली इधर को वो बेटे ने करवट ले ली इधर कुछ हो गया फिर माँ एक लोटा उठ गया अब की इधर वाले करवट में इधर बाएं दाएं में गिर दिया उसने कहा गीला गीला है तो उसने कहा हाँ माँ तो समझती बुद्धिमान है माँ तो पहले समझती तो उसने कहा जब दो बोतल लौटा माँ आँख खुल गई उसकी उसने कहा माँ ये क्या कर रही है तुम ठंड इतनी पड़ रही है पानी डाल रही हो तो उसने कहा बेटा तुमने कहा था 25 साल का हिसाब लाना मैं तो अभी एक दिन का एक घंटे का हिसाब ला रही थी जब तू रात को बाथरूम कर देता था तो मैं करवट सूखे में तेरे को सिलाती थी मैं गीले में सोती थी जब तू इधर बाथरूम कर देता था तो मैं इधर तेरे को सिलाती थी इधर ऐसा एक रात नहीं काटी मैंने कितनी रातें मैंने ऐसे काटी तू कह रहा था ना हिसाब करके रहना तो मैं एक दिन का एक घंटे का हिसाब कर रही थी वो भी नहीं पूरा हुआ तो बेटे के आंखों में आंसू आ गए जैसे पाला पोसा बड़ा किया तो उसने कहा माँ मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता मेरे से गलती हो गई तो उसको पकड़ा परंतु ऐसा कोई कोई माँ बच्चा होता है तो समझ पाता है नहीं तो माँ को छोड़ के चले जाते माँ को छोड़ के चले जाते और जितने 25 साल लिया कुछ नहीं होगा यही ऊर्जा की तरह कंस की सेवा करते रहो कंस की सेवा करते रहो कुबड़ी की कुबड़ी रह जाओगे कोई नहीं हाल तो भगवान कृष्ण की सेवा करोगे तो क्या होगा अगर थोड़ी सी सेवा करोगे भगवान की द्रौपदी ने क्या किया था बस भगवान के उंगली में पट्टी बांधी साड़ी फाड़ में थोड़ी सी रक्त निकलने लगा था और एकदम से बांधी भगवान ने क्या किया बड़े 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 जो उनके पति थे एक से बढ़कर एक कौन अर्जुन भीम नकुल सहदेव वहां बैठे पितामह भीष्म पितामह है द्रोणाचार्य कोई कुछ कर पाए नहीं काम कौन आया भगवान पूरी की पूरी साड़ी बन गई और रक्षा उसकी की आपके कितने बड़े बंगले हो कितने बड़ा मकान हो कितने पागल पति हो वो रक्षा नहीं कर पाएंगे हमारे मृत्यु से बुढ़ापे से हमारा रक्षा कौन करेंगे कृष्ण कन्हैया बोलो कृष्ण कन्हैया की पार करेंगे नहीं आगे बोलो हाँ तो इसलिए भगवान पार करेंगे यही संदेश देने के लिए महाराज जी आए हैं आप लोग सुनो बात भगवान की थोड़ी थोड़ी भगवान की सेवा करो ज्यादा कुछ नहीं करो प्याज लहसुन मांस तो अब खाते नहीं मुझे बता मांस नहीं खाते जो बाबा महंत राम के भक्त मांस नहीं खाते जो बाबा महंत राम है वो मांस एकदम खिलाता ना प्याज लहसुन खाते होंगे प्याज लहसुन छोड़ना है जो भी खा रहे भगवान को भोग लगाओ और घर में बैठ के भगवान का नाम करो अभी हमें बड़ी शर्म आती है हम तो कोई कह रहे ना माता जी कह रही थी मेरे को मैं कि माता चलो चलो हमारे साथ चलो कह प्रभु आपको पता नहीं है यहाँ मजाक उड़ाते भक्तों का मेरा भी ऐसे उड़ाते थे माता गलत बात नहीं है तो मैं घर में अकेला था देखो मजाक किसको उड़ाते पता आपको इस गांव में एक भक्त है और 99 भक्त नहीं है तो एक का मजाक उड़ाएंगे अगर 99 भक्त बन गए ना फिर एक का मजाक उड़ाएंगे है ना तो मजाक किसका है जब सब है तो मैं सच में एक उदाहरण बताता हूँ बारम्बार मथुरा में ना मथुरा में हमारे मथुरा में सारे जितने भी माताएं थे दिल्ली जी की सब रहने वाली वहां साड़ी पहन के आती थी विदेशी माता भी साड़ी पहन के आती थी मथुरा मठ में तो वहां पर एक लड़की आई जींस पहन के आ गई जींस पहन के आ गई मथुरा मठ में अब सबको देख रही है एक भी जींस वाला नहीं सारे साड़ी वाले लड़की भी सूट सलवार पहनना किए सब अब बिचारी को अपने को देख रही सब मारे बहुत ज्यादा शर्म की आ रही वो अकेली पड़ गई है ना अगर मॉल में जाओगे तो सारे जींस वाले वहां तिरंग लगा के जाओगे अब आपको शर्म आई है ना तो हमें शर्म किसको आती है जो अकेले पड़ जाते हैं तो हमें संख्या बढ़ानी है ना संख्या बढ़ाने को माता जी आई माता जी कौन जाती है सुबह सुबह मंगल आरती में आती है वहां से लेके आए सारे लोग मंगल आरती में आते तिरंग लगा के बड़े बड़े कोटी वाले पैसे वाले धन लोग कोई शर्म नहीं विदेशी लोग शर्म हमें आनी चाहिए विदेशी को कल्चर हम अपना रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान में हम क्यों शर्म करें तिलक लगाने की है घंटी वाले भगवान का नाम कर ले कोई शराब कर गिरे जब मैं अपने गांव में आया ना तो हमारे महाराज जी वहां पर आए गांव में महाराज जी बोले कि देखो इस बच्चे ने पूरा गांव बदल दिया है तो और ये सब लोग माता एकादशी रखने लगे हैं तिलक करने लगी है इतना सौभाग्य तो एक व्यक्ति मेरे को मिल गया मैं जा रहा था
शराब की बोतल है इधर, तूने मेरे को बदल के दिखा, मेरे को बदला। तो मैंने कहा नहीं बाप बाबा, हम कहां बदल पाएंगे आपको, हमारे पास ताकत है। और ऐसे गिर रहा नाली में, ऐसे गिर रहा, तो हम तो कल्याण के लिए बता रहे ना। शराब लेके चल रहे बच्चे, शर्म नहीं आ रही। सिगरेट भी लेके चल रहे, शर्म नहीं आ रही। नाली में गिर रहे, इधर गिर रहे, लीवर खराब हो रहा, मर रहे हो, शर्म नहीं आ रही। अच्छा काम करा रहे हैं, भगवान का नाम करा रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं, कल्याण करा रहे, शर्म आ रही। ये हमारा दुर्भाग्य है ना। तो हम लोग ये दुर्भाग्य को छोड़कर संतों की बात सुनेंगे। बहुत सारे भक्त लोग हैं यहाँ पर, पहले उनके घर में शराब पीते थे, पत्नी बड़े दुखी थी, रोज पत्नियों को मारते थे जाके। आज पत्नी इतनी खुश है कि महाराज ने जीवन बदल दिया। कि पत्नी पति क्या कहते हैं, बढ़िया, बिना प्याज मांस भी छोड़ दिया, प्याज भी छोड़ दिया, भगवान का नाम कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, सब शराब काफी, सब नहीं, बहुत सारे लोग हैं शराब पीने वाले। तो और भी गांव में, बड़ी गांव में, हमारे झुंपरा गांव में, बहुत सारे गांव में सब शराब पीने वाले, मांस खाने वाले। तो हम लोग आपको अच्छी चीज देने के लिए आए, गलती चीज देने के लिए आए। कुल बिंदान बिहारी लाल की जय। हरिनाथ बारे में बताओ। हाँ देखो, भगवान कलयुग में बल जाता कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। सबसे सरल उपाय मैं देता हूँ, क्या करो, भगवान के नाम को जप करो। क्या करनी चाहिए बोलो जोर से, ठाकुर जी की नाम को करनी चाहिए। देखो हम लोग तो हिंदू है, देखना जीवन में जो कुछ करना कर ले, लेकिन जब अंतिम समय आती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, गोपाल नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल करते है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। जीवन में जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है, केवल वही सत्य और सब झूठा है। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में क्या मिलता है, जितने प्रभु का भजन करते हैं, भगवान का नाम करके वही मिले। इसलिए क्या करना, भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर कर दो, गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण की नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद आ गई है क्या पीछे, जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्मनतलिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षट्स श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का वह चरण कमलों में पुनः पुनः करके प्रणाम करते हुए उनसे उनके कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानंद गुरुवर आचार्य सपरिकर्ष नित्यानंद प्रभु सपरिकर्ष मन महाप्रभु सपरिकर्ष श्री राधा गोविंद देव के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंच आसीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए इन सबसे इनकी अहत की कृपा की मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब मिलकर मुझ पर हम सब पर कृपा करें, जिससे कि हम ये बात समझ पाए कि ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला। देखिए, कोई भी चीज कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है, उस कार्य को या उस वस्तु को अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो हम कर पाएंगे।
चाहे वो एक मोबाइल हो, एसी ऑन करना हो या टीवी ऑन करना, कोई भी चीज हो, जब हम समझ जाएंगे उस वस्तु को तो क्या होगा, हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही अभी तक जब तक साधुओं का साधु संग सत्संग ये क्यों बोला गया है जरूरी, आपको पता है शास्त्र है, वेद है, पुराण है, गीता है, भागवत है, क्या है हमारे घर में? पहली बात तो ये, रामायण किस किस के घर में है, गीता श्रीमद् भागवतम चारों वेद सारे के सारे उपनिषद सारे के सारे पुराण हैं। अरे दुर्गति हमारी ऐसी हो गई है कि हमें ये ही नहीं पता उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं। और देखो आज ऐसा समय आ गया है कि हम सनातनियों के घर, सनातन धर्म पालन करने वालों के घर के जो बच्चे हैं ना, उनसे फिल्म स्टारों के नाम पूछ लो, क्रिकेटरों के नाम पूछ लो, सब रटे पड़े होंगे। अरे वो टीवी पे आने वाले सीरियलों के नाम पता है? वो एक सीरियल आता है ना जिसमें सबको घर में बंद कर दो, बिग बॉस, उसमें कौन कौन घर के अंदर बंद पड़ा है उसके नाम पता है, पर चार वेद क्या है ये नहीं पता, भगवत गीता में श्लोक कितने हैं ये नहीं पता है। इसका श्रेय पता किसको जाता है? था तो पहले से शुरू हुआ पर आज अब हमारे पे भी जाता है कि हम खुद उन चीजों का पालन नहीं कर रहे तो हम आगे दे नहीं पा रहे। जैसे प्रभु जी ने बताया कुछ बातें, तो उन्हीं बातों को थोड़ा और विस्तार करते हुए और महाराज जी की जो आज्ञा हुई है हरि नाम जो है उसके बारे में कुछ जो महाराज जी से गुरुदेव से वैष्णवों से सुना है वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। आज से कुछ 100 साल पहले हमारे देश पे आक्रमण हुआ, हमारे देश पे राज करने आए, कौन आए? मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। इन्होंने देखा कि ये जो देश है बड़ा ही समृद्धिशाली है, क्या कहते थे ना, भारत का भी सोने की चिड़िया, यहां पे दलितता नहीं है, गरीबी नहीं है, यहां पे कोई भी झूठ फरेब कपटता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे घर घर में धर्म का पालन हो रहा है, ये अपने धर्म को अपनी, जैसे हम आज की डेट में धन को संभाल के चलते हैं ना, बड़े धन को, कोई है ऐसा जो जिसने अपने सोने हीरे जवाहरात रोड पे ऐसे बाहर फेंके हुए हो, नोटों की गड्डियां बाहर ही रखी हो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा यहाँ अभी 2000 का नोट मिल जाए किसी को, 2-4 वो ऐसी जगह छुपाएगा, इस हाथ से छुपाएगा, इस हाथ को नहीं पता चलेगा, है ना, ऐसे रखने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं उन्होंने धर्म को इस तरीके से संभाल के रखा था क्योंकि क्या था, शास्त्रों की बातें पालन होती थी, धर्म का आचरण होता था, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा वो कर रहे थे तो धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। तो इन मुगलों अंग्रेजों ने सोचा कि इनके धर्म को नष्ट कैसे किया जाए, घर घर देखो आज भी गांव में तो ये घर फिर भी पालन होता है पर धीरे धीरे गांव भी शहरी होते जा रहे हैं। सुबह सुबह जब भी निकलते हैं तो आपस में क्या क्या होती है, राम राम शाम शाम होती है, फोन पे भी राम राम होती थी, अब तो फोन उठाते हेलो हाय, इधर से वो हाय दे रहा है उसको, उधर से वो हाय दे रहा है इसको, तो ये दुर्गति। तो इन मुगलों अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, हमारे खाने में गौ मांस डाला। सोच रहे हो कि गौ मांस, गाय का मांस कैसे, क्या गाय का मांस खिलाएंगे हमें, आपको सामने गाय काट के खिलाऊं, खाओगे? पर खा रहे हो कुछ लोग अनजाने में खा रहे हो क्योंकि पता नहीं था। क्या किया, ये जो लहसुन प्याज और मसूर की दाल है ना, ये क्या है, कैसे बनी, ये पता है किसी को? नहीं पता ना। इन मुगले अंग्रेजों ने यही फायदा उठाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जो लहसुन प्याज मसूर की दाल है ना, ये पूर्व इतिहास में क्या हुआ था कि पहले ऋषि मुनि गौ में यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे लोगों के कल्याण के लिए,
पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए। तो ऐसे साधु संत, ऐसे ऋषि लोग एक बार अश्व गौ में यज्ञ कर रहे थे, उसमें एक बूढ़ी बहुत बीमार गाय की बलि दी जाती थी। बलि नहीं दी जाती थी, बलि तो देते थे परंतु मंत्रों से पुनः जीवित करके गाय को फिर जवान और दुधारू बना देते थे। ऐसे ऐसे शक्तिशाली थे ऋषि मुनि। तो उनमें से क्या हुआ, एक ऋषि की पत्नी गर्भवती थी, उसके मन में जैसे गर्भवती जो स्त्रियां हुई उनको पता है एक बार कुछ खाने की चाह आ जाए तो मन बस वहीं जाता रहता है। उस ऋषि की पत्नी के पता नहीं मन में क्यों आ गया कि ये जो गाय कटी है इसका थोड़ा सा मांस मिलता है, और उसने क्या किया, गाय के बाएं ओर के पेट की तरफ से कुछ मांस काट लिया और ले गए। ये सोच के कि खाऊंगी, परंतु घबरा गए। उसने क्या किया, घबराहट के मारे उसे क्या कर दिया, जमीन में दबा दिया। अब उधर ऋषि ने जब वो बलि देती है, अब उन्होंने फिर पुनः मंत्र आदि उच्चारित किए, गाय जिंदा हो गई। अब गाय को जिंदा हुई, पर उसका जो वो टुकड़ा कटा हुआ है उसका क्या हुआ, वो जमीन में दबा हुआ था, मंत्र का प्रभाव उस पे भी पड़ा, और क्या हुआ, मांस से हुई प्याज, हड्डी से लहसुन और खून से हुई मसूर की दाल। अब ये बात अंग्रेजों को पता थी, मुगलों को पता थी, उन्होंने बस क्या किया, हमारी कमजोरी का, हमें कमजोर करते हुए ये चीज आज हमारे किचनों में घुसा दी है, जाने अनजाने में हम गौ मांस खा रहे हैं। फिर कर लो जितने मर्जी पुण्य, कर लो जितनी मर्जी पूजाएं, क्या किसी देवी देवता को भोग लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि किससे बना है, गौ मांस। तो सबसे पहली चीज तो क्या करें, आहार शुद्ध कर लो, आहार अपना जो है वो शुद्ध कर लो, अपने किचन से आज ही जाके इस गौ मांस को उठा के बाहर फेंक दो। ये हमें जबरदस्ती खिलाया गया ताकि हम अपने सनातन धर्म से गिर जाएं। अब ये सनातन धर्म क्या है, इसे समझना पड़ेगा। सनातन मतलब जो सदा से था, है और रहेगा। हम जो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ममेर वांचो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव, हे जीव तू मेरा अंश है, तू क्या है, मेरा अंश है। हम जो आत्मा, ये तो शरीर, जब कोई मरता है तो हम क्या देखते हैं, शरीर तो वहीं पड़ा रह जाते हैं, तो उसमें से निकला क्या, आत्मा। हम क्या है, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ये शरीर हमें किसी कार्य के लिए दिया हुआ है, ये विशेषकर मनुष्य शरीर, उसे हमें समझना होगा। तो ये सनातन धर्म का सबसे सरल पालन इस कलयुग में क्या कहा गया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में आए। कैसे आए, अकेले नहीं आए, एक ही रूप में दो दो होके आए। अभी कौन है, राधा कृष्ण है, और यही दोनों राधा कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, क्या बताने के लिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। ये युग कौन सा चल रहा है, कलयुग। कैसा युग है कलयुग, बड़ा मजा आ रहा है ना सबको, अरे सब तो खुश नजर आ रहे हो, है ना। बहुएं तो ऐसी मिली होंगी कि एड़ी से लेके चोटी तक बड़े प्यार से आपकी मालिश करती होंगी, जो मांगते होंगे बोलने से पहले ही आपके सामने होता होगा, क्यों ऐसा ही होगा। और बेटा तो राम से भी चार कदम आगे होगा, है ना। राम जी को तो बोला था उनके पिता ने आज्ञा दी 14 वर्ष के वनवास के लिए, अरे मेरा बेटा तो अंगूठे पे खड़ा है 28 साल के वनवास को जाने के लिए, ऐसे बच्चे मिले होंगे। ये है कलयुग का प्रभाव, सब उल्टा होता जा रहा है। तो इस कलयुग के प्रभाव से बचने का सबसे सरल उपाय क्या बताया गया, हरिनाम। भगवान इस कलयुग में क्या किया, भगवान ने एक वचन दिया है ना भगवत गीता में, क्या, ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी, यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की हानि होगी, हे अर्जुन मैं आऊंगा। तो भगवान ने देखा कि सबसे इस कलयुग में उन्होंने क्या किया, अपने नाम के अंदर, जो भगवान का नाम है ना, भगवान नाम रूप में भगवान ने अवतार लिया,
जो ये राम का नाम है, ये कृष्ण का नाम है, ये उनसे अलग नहीं है। पानी पानी बोलते रहो क्या पानी आ जाएगा? तो इसीलिए ये नाम जड़िए नहीं है, मतलब इस जड़ जगत का नहीं है, ये वैकुंठ से आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, महाप्रभु स्वयं कृष्ण आके ये बता रहे हैं कि जो मेरा धाम है ना, गोलोक वृंदावन धाम, जो मेरा नित्य धाम जहां मैं सदा रहता हूं, मैं वहां से आया और ये वहां का धन मैं लेकर आया हूं। अभी आपको यहां से दिल्ली जाना हो, अमेरिका जाना हो, कुछ भी जाना हो, कहीं पे भी पैसा तो लगेगा ना, किराया चाहिएगा, सीएनजी भरवानी है, तेल भरवाना, पैसा। तो ऐसे ही इस कलयुग में, इस दुखमय संसार से निकल के एक ऐसे सुखमय ब्रह्मा क्या नाम भगवान के धाम जाने के लिए भी धन लगता है। कौन सा धन है? वही धन महाप्रभु बांटने आए, महाप्रभु ने बांटा, महाप्रभु के परिकरों ने बांटा। महाप्रभु की उस धारा में आते आते हमारे महाराज श्री उसी धन को लेके आपके बीच में आए। आज तक तो देखो, मैं भी भक्ति में आने से पहले यही सोचता था, ये साधु साधु क्या है, ये कुछ नहीं है, ये धन के लिए घूम रहे हैं, धन लेने के लिए ये पंडित साधु घूम रहे हैं। जब आया भक्ति में, ठीक है, कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए थे हम, साइंस वाले थे, इंजीनियर इंजीनियर बन गए, तो हमें लगता था हम ही ज्यादा है, ये बाकी सब तो ये सब ढोंगी है। पर जब वास्तविक में इनकी शरण में आए, ये शास्त्र पढ़े, तब जाके समझ में आया, अरे इनके हृदय में, इनके पास ऐसा धन है जो अद्भुत है, जो ऐसा धन। देखो हम क्या सोचते हैं, पैसा सारे कष्ट मिटा देता है, परंतु याद रखना जितने मर्जी पैसे ले लोगे मरना पड़ेगा। इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में ये पंच भौतिक शरीर ये इसी में मिल जाएगा, और जो मेरे कर्मों का फल है वो मैं चाहे करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो रुपए दे के एक कर्म फल भी बदल नहीं सकती, नहीं बदल सकती। परंतु इनके पास जो धन है, कौन सा धन? हरि नाम रूपी धन, भगवान का नाम रूपी धन। जब वो धन मैं लूंगा या लूंगी उस धन को, और ये धन भी कैसा है, जितना खर्च करते हैं, मतलब जितना बोलते हैं, अब आपके पास चार नोट दूंगा 2000 के, गिनते रहो कितने होंगे, 8 हो जाएंगे क्या, गिनते गिनते आज 4 गिने रख दिए, फिर कल उठाए फिर 4 गिने, तो 4 के 4 ही हैं। पर ये धन देखो कैसा है, गुना गुना गुण कई कई गुना हो के क्या है, मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। आज मैंने कुछ नाम संख्या करी, आज मैंने कुछ भगवान का नाम जाप किया, मेरे अकाउंट में चढ़ गया। उसी के प्रभाव से जब मैंने और अगली बार किया तो वो कई गुना होता जा रहा है अकाउंट में। तो इसीलिए ये हरिनाम, इस हरिनाम रूपी धन को लेके ये साधु जन घूम रहे, इस चीज को समझ लेना। साधु आए हैं, ऐसे भक्त आए हैं दुर्लभ, जो वाकई में जैसा प्रभु जी कह रहे थे, वास्तविक है ये चीज कि बड़ी मुश्किल से, या देखो ना कितने लोगों को नहीं बोला, गांव में हर जगह हर घर में बोल रहे हैं आइए 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 आइए, इतने सारे गांव में छत्ते छत्ते इतने ही क्यों रह गए। ये मत सोचना, हम लोग कहीं जाते हैं ना, जब हम कथा बोलने लगते हैं तो बोलते हैं ये ना सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो समझना वास्तविक में हम ब्रेन इस बुद्धि की वॉश करते हैं, इसको सफाई करते हैं। ये हरिनाम क्या करेगा, जब आप इनसे लेंगे तो ये बुद्धि का मार्जन करेगा। इस हरि नाम से क्या होगा, जितने आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म फल हैं, जिसकी वजह से आप आज कष्ट भोग रहे हो, वो सब चला जाएगा। चाहे कोई भी ज्योतिष हो, कोई टोमेटो के वाला हो, वो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता जो एक हरि नाम कर सकता है। शास्त्र में इस हरि नाम के बारे में क्या कहते हैं, ऐसा इस जगत में कोई पाप नहीं बना, या कह रहे हैं सारे पापों को मिला के एक तरफ रख दो, भगवान के नाम को एक तरफ रख दो, कह रहे हैं इस तराजू को ये सारे पाप हिला भी नहीं पाते, भगवान के नाम की तरफ का जो पड़ला है ना वो बिल्कुल जमीन से छुआ हुआ, ऐसा पाप नहीं है। तो हम क्या करें, ऐसे साधु ऐसे संत जन हमारे पास आए हैं जिनके हृदय में क्या है, ये
नाम रूपी धन है, ये धन हम इनसे ले लें, इनसे ही लेना पड़ेगा, समझना। अगर अपने आप अगर हम ये देखो ये नाम तो है ही, हम अपने आप भी कर सकते हैं, बट शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो इस जिसने इस नाम के लिए, इस नाम की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन छोड़ दिया। महाराज जी देश इस देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी -40 डिग्री टेम्परेचर, कितना -40 डिग्री टेम्परेचर, धूप दो तो धूपते ही धूप जम जाए, ऐसी ऐसी जगह जाके भी किसने जा रहे हैं वहां पे जीवों का कल्याण करने, उनको हरि नाम देने। और क्या हो रहा है उस हरि नाम के प्रभाव से देखो, वो लोग जो सच्ची में कच्चा काय का मांस खाने वाले हैं, आज सब कुछ छोड़ छाड़ के गले में तुलसी डाल के चुटिया रख के और माला लेके क्या कर रहे हैं, आज हरि नाम कर रहे हैं। समझना, इनका एक ही लालच है, पता क्या, हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे, यही महाराज जी से हम सुनते हैं, वो कहते थे तुम अपना ये मन मुझे दे दो, मुझे कोई तुम्हारा तन धन कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना ये मन दे दो, क्योंकि तुम्हारा मन कैसा है सोचो एक बार, अपने मन में झांक के देखो मेरा मन कैसा है, क्या बहुत दूध की तरह सफेद साफ है, हाँ? अरे कलेश भरे हुए हैं इसके अंदर, कलयुग है ना, कलेश का युग, कलेश भरे हुए हैं इसके अंदर, इतनी इतनी कामनाएं भरी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब भर भर के ये मन गंदा हो गया है। तो क्या कहते थे गुरुदेव, ये कुमन अपना गंदा मन तो मुझे दो, मैं इसे साफ करके सुमन सुंदर मन बना के मैं राधा कृष्ण के चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा। तो ऐसे ही क्या करो, अपना ये मन देके क्या करो, महाराज जी को दो और इनसे क्या, ये हरिनाम रूपी धन ले लो, ये इसी धन को बांटने के लिए घूम रहे हैं, आपके उस नोटों के लिए और सिक्कों वाले धन के लिए नहीं आए हैं, उल्टा उस भगवान के नाम रूपी धन को यहाँ बांटने आए हैं। आप उस धन को लीजिए, उस धन को लेके जब आप रोज गिनोगे ना, देखो गिनना तो जरूरी है, धन है ना, कैसे पता चलेगा कितना हुआ। तो हम लोग देखो ये हमारी धन की मालाएं हैं, क्या हरिनाम रूपी धन की मालाएं, हम रोज गिन रहे हैं, अपने अकाउंट में चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। सबसे पहला फायदा तो बता दूं, जैसे ही हम ये लेते हैं ना वैष्णवों से, भगवान के शुद्ध भक्तों से, यमराज अपने रजिस्टर में से आपका नाम काट देंगे। तो आप सोचोगे तो इसका मतलब क्या हम अमर हो गए, हम मरेंगे ही नहीं, मरना इस शरीर को तो जब खत्म होना है तब तो खत्म होगा ही, परंतु उस आत्मा को खींचने के लिए, ले जाने के लिए यम के दूत नहीं है, भगवान अपने दूत भेजेंगे कि जाके इस पवित्र आत्मा को। और यमराज कह रहे हैं जो हरिनाम कर रहा है, जो गले में कंठी इसने गुरुदेव से लेके पहनी है, जो तिलक लगाता है, जो सदगुरु आश्रय में रहता है, भगवान की भक्ति करता है, हे यमदूतों उस शरीर को हाथ मत कराना, तुम भस्म हो जाओगे। यमदूत कौन होते हैं, शरीर में से आत्मा निकालते हैं, आत्मा निकालते हैं कितना दर्द होता है पता है, बस 2 मिनट और दूंगा, आत्मा निकलती है तो कितना दर्द होता है, कभी किसी को करंट लगा है, करंट लगा है समझ लो उसको 10,000 गुना कर दो, 10,000 गुना कर दो, उतना दर्द होता है जब आत्मा इस शरीर से निकलती है। और जो भगवान की भक्ति करता है उसको ये दर्द नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसको यमदूत भी नहीं दिखते। कई बार देखा होगा गांव में, अगर किसी ने सुना होगा कोई मरने वाला था या मर रहा था या मर गया था, तो वो डरता हुआ मरा था, या टट्टी पेशाब निकल गया, या उल्टी निकल गई, हाँ, या आंखें फटी रह गई, क्यों, यमदूत दिखते हैं। तो इसीलिए उन यमदूतों से भी बचेंगे। और ये आप फिर दोबारा से, मैं बार बार इसी बात पे फिर दोबारा से जोर दे रहा हूं, ये आए हुए हैं आपके पास, आपके घर, इस धन को ले लो, पकड़ लो इनके चरण कि महाराज जी हमें भी वो धन दो जो इनके इन सबके गले में टांग रखा है, इन सबको दे रखा, हमने क्या ऐसी गलती कर दी, जो कर दी कर दी, पर अब क्या करेंगे, हमें ये धन दो, हम भी ये धन गिनेंगे, हमारे भी अकाउंट में हम भरेंगे और हम भी भगवान के दान जाएंगे। गौर कीर्तन कर लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पर। कलयुग में सबसे सरल उपाय है ठाकुर का नाम करने चाहिए, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अब एक बार सबके सब जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखो हमारे प्रभु जी आपके पास में एक सुंदर कथा सुनाएंगे, ध्यान से सब सुनना। ये ऐसे की कथा सुनाएंगे हमको हरिनाम क्यों करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने का क्या जरूरत है, हम तो संसार में खा पी रहे हैं मस्त रहे क्यों घर ठाकुर का नाम जब करे, इसलिए प्रभु जी इसी विषय पर सुनाएंगे। इसके बाद में एक कीर्तन करके सब नाचेंगे और सबके सब प्रसाद लेकर के जाते, ठीक है। और आज जो प्रोग्राम की माता जी कहाँ गई, क्या नाम उसकी, अनुराधा रूपए है, किधर देखो हमारे श्री जन्म जन जाते हमारे श्री अनुराधा दीदी ने आज आपका गांव में संतों को बुलाए, आपकी गांव में उन्होंने हरि कीर्तन करवाए, लगता है आप लोगों ने सब कुछ है, आप लोगों ने किस ना किसी तरह से आप लोग मदद किए हो ये सत्संग में, इसलिए हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं अगर इसमें कोई तन में हो कोई धन में हो अगर कोई मन से भी कोई ये सत्संग में थोड़ी सी कोई मदद कर देना। इसलिए भागवत में कहते हैं बोले सत्य पुनाति सत धर्मम, वो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त होकर के भगवान का धाम में चले जाते हैं। माता जी ने भक्तों को बुला करके कीर्तन सत्संग करवाए, इसलिए आप इनके लिए ताली बजाओ। माता जी ऐसे सत्संग करवा रहे और एक गांव जिस गांव में भगवान की सत्संग हो, घर घर में ठाकुर का कीर्तन हो, कहते वो घर नहीं है, कहते वही घर वृंदावन बन जाता है। क्या बन जाता है, भगवान का धाम बन जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं इसी गांव में एक बार मंदिर देख कर, मैं तो पहला बार आया, बड़े सुंदर मंदिर गांव में। अब धन्यवाद है जो गांव में अब लोग इतने सुंदर मंदिर बनाया सिद्ध बाबा के नाम से। यहाँ पर पहले कोई संत भजन करते थे ना, इसलिए क्या गुजरते पता नहीं। इसलिए यहीं पर उन्होंने साधन भजन किया, स्थान बहुत बढ़िया, देखो नीम की वृक्ष है और चारों तरफ में खेती है, और यहाँ पर पीपल पेड़ है, देखो पीपल पेड़ भी, यहाँ पर पीपल पेड़ छाया भी है, बड़ा सुंदर स्थान है। इसलिए हम अगली बार कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पर 7 दिन तक ये भागवत कथा हो, ठीक है, 7 दिन तक भगवान की कथा की गंगा यहाँ पर बहे और वो गंगा में सबके सब गोता लगा, ठीक है ना। और उसी समय पूरा गांव वाले मिल करके, सब लोग गांव वाले अकेले कोई नहीं, सब गांव मिल करके करोगे तो लगेगा नहीं हम सबके साथ गांव वाले के द्वारा ये भागवत कथा होती है। और भागवत में बताया जिस गांव में ये भागवत कथा होगा जानते हो वो स्थान क्या हो जाता है, बोले सब ब्रह्म लोग से ब्रह्मा की कथा सुनने के लिए आते हैं, शिव लोग से शंकर की कथा सुनने के लिए आते हैं, देव लोग से देवता भी आते हैं, और महाजन लोग से भृगु वशिष्ठ पराशर ये सबके सब ऋषि की कथा सुनने के लिए वहां पर आते हैं, जितने गंगा यमुना नदी सबके सब कथा सुनने के लिए आते हैं। और जब ये भागवत कथा हो देवता लोग उतने खुश होते हैं, स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की बौछार करते हैं, कभी इसी गांव में भागवत कथा हो रही है, इतने महिमा ये भागवत कथा हो रही है। इसलिए अगली बार सबके सब मिल करके सारे गांव वाले, ठीक है ना, सबके सब मिल करके यहाँ पर भागवत कथा रखवाना, और भगवान की कथा होगा तो लेना घर घर में सबके सब भगवान की भक्त बन जाए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की नमो विष्णु पादाय राधिकाये प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत श्रील नारायण गुरुस्वामी की नामिने
श्री कृष्ण लीला कथनी सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं त्वं श्रीशानं नमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री अषाढ़ शिखर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम स्मरणीय गुरु पाद पद्म प्रातः कालीन स्मरणीय नित्य लीला प्रसन्न जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतत सुशील भक्ति विदान परमहंस प्रयोगचरण आचार्य वृत्त दंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अविचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हरि पुत्री कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरु पाद पद्म मध्य शिक्षा गुरुदेव मंचाचार्य श्री श्रीमद भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुगत परंपरा के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है उनकी भी कृपा की अभिलाषा करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली तथा स्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम है। हरे कृष्णा। देखो आज हम लोग जिस प्रकार से अपने इस मनुष्य जीवन के बहुत सुंदर क्षणों को व्यतीत कर रहे हैं, ये सुंदर क्षण हमारे जीवन में स्थिर हो जाए, इसी भाव से मैं आप सब लोगों के बीच एक बड़ी छोटी सी कथा जो कि महाराज जी के आदेश अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हमको ये मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च लाभ है कब मिलेगा, तो वो एक छोटी सी कथा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप थोड़ा सा समय देंगे और ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे। एक समय की बात है कि एक राजा थे, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में आप लोगों को पूछ लूंगा कौन थे। राजा थे, एक राजा थे और उनकी चार रानियां थी। कितनी रानियां थी? हाँ, मेरे को जवाब देते रहना, इससे क्या है कि हमारा और आपका संवाद होता रहेगा और जो महाराज जी के आदेश अनुरूप में कथा बोलने का प्रयास करूंगा आप तक पहुंच जाएगी और बीच में कुछ अगर व्यक्ति ना बोला गया तो महाराज जी उसको सुधार देंगे। तो जो राजा थे और उनकी चार रानियां थी, तो राजा जो थे उन चार रानियों के साथ में रहते थे, लेकिन जो एक उनकी बड़ी रानी थी राजा अधिकतर उसी के अधिक से अधिक समय देते थे, उसको पुनः पुनः पूछते थे कि तुमको क्या चाहिए, उसको बिना पूछे भी बहुत सारी वस्तुएं उसको प्रदान करते थे, हमेशा उसके ही महल में रहते उसी के साथ समय बिताते अधिकतर और उसकी जो वस्तुएं हैं बिना मांगे उनको देते थे। और राजा की जो दूसरी रानी थी वो रानी बड़ी रूपमती थी, बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता के वशीभूत होकर राजा क्या करते थे उसको अपने रथ में बिठाकर अपने पूरे नगर में भ्रमण कराते थे और अपनी जो पूरी जनता थी अपनी जो पूरी प्रजा थी अपने देश की जितनी भी प्रजा थी सबको अपनी रानी का दर्शन कराते थे कि देखो कितनी परम सुंदरी मेरी रानी है, आप सब लोग इसका दर्शन करो, जिससे क्या राजा को क्या होता था बड़ा आनंद होता था कि देखो मेरे पास कितनी सुंदर मेरी रानी है। तो उस रानी को राजा हमेशा अपने साथ रथ में बिठाकर अपने पूरे पूरे नगर में भ्रमण कराते थे। और जो राजा की तीसरी रानी थी, जब राजा कहीं बाहर चले जाते या राजा कभी युद्ध में जाते तो हारे थके जब वापस आते थे तो उस रानी के साथ में बैठकर अपने हृदय की बातों को कहते, अपने मन की बातों को कहते, अपने दुख और सुख को वो उस रानी के साथ में साझा करते थे। तो ये राजा की जो तीसरी रानी थी उसके साथ में वो इस प्रकार से अपने जीवन का आदान प्रदान करते थे। और जो राजा की छोटी रानी थी, चौथी रानी थी, उसको वो कभी कुछ पूछते नहीं थे, बस लाके महल में एक महल दे दिया, वो अपना महल में अकेली पड़ी रहती, राजा कभी उसके निकट जाते नहीं, उससे कभी कुछ पूछते नहीं। तो इस प्रकार से वो राजा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो धीरे 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 समय पूरा होता चला गया और राजा का अंतिम समय आ गया। अभी जब राजा का अंतिम समय आ गया और वो जो राजा है अभी मृत्यु से या जैसे पड़े हुए हैं, अभी उनके प्राण जाने वाले हैं, तब वो राजा जो है अपनी उस रानी को पूछते हैं जिसको वो सबसे अधिक समय देते थे कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैंने अपना पूरा जीवन तुमको दिया, तुमको जो चाहिए था वो तो मैंने दिया ही दिया, तुमको जो नहीं चाहिए था वो भी मैंने लाके तुमको दिया, अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो रानी बोलती है कि महाराज मैं तो एक कदम भी आपके साथ ना चलूं,
मैं तो एक कदम भी आपके साथ ना चलूं। इतना सुन के राजा को तो बड़ा दुख हुआ और बोला कि मैंने अपना सारा जीवन इसको दिया, इसकी सारी इच्छाएं मैंने पूरी करी और अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं और अभी इनके साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। तो राजा को बड़ा आघात लगा, श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आवाज आ रही है तो क्या हुआ कि राजा को बड़ा आघात लगा कि अब मैंने इतना अपना सारा जीवन इस रानी की इच्छाएं पूर्ण करने में लगाया, अब मैं इसे प्राण छोड़ रहा हूं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो एक कदम भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। तो राजा को दुख हुआ, तो राजा उस दुखी मन के साथ अपनी दूसरी रानी के पास गया। कौन सी वाली रानी के पास? जिसको वो माता का अपने साथ रथ में बिठा के जो परम पुत्री थी उसके रूप में मत प्रमुख हो गए। राजा उसको अपने रथ में बिठा के अपने पूरे नगर में भ्रमण कराता था, पूरी जनता को उसके रूप में दर्शन कराता था। तो अब हरे कृष्ण, तो अब क्या हुआ कि राजा ने उसको पूछा कि हे रानी, मैंने पूरे जीवन आपको अपने साथ रथ में रख के अपने साथ भ्रमण कराया, मैं जहां भी गया तुमको लेके गया, अब मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं तो तुम मेरे साथ चलोगी? तो देखो वो रानी क्या जवाब देती है, बड़े गौर से सुनना फिर मैं पूछ लूंगा, है ना। तो रानी कहती है कि महाराज, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम शरीर छोड़ो और मैं दूसरे के पास जाऊं, मैं तो इतनी सुनकर हूं तो मेरे को कोई बड़े से बड़ा राजा अपने पास रख लेगा। तो वो रानी ऐसे वैसा जवाब देती है तो राजा तो एकदम से जैसे मरने ही वाले थे, जैसे मरी जाएंगे अभी, ऐसे उनके प्राण चलने को तैयार हो गए। तो ऐसा उत्तर सुन के राजा तो एकदम बस जैसे कहते कि चारों तरफ जमीन निकल जाता, कि मैंने अपना जीवन इसको दिया, इसको अपने रथ में हमेशा बिठाया, अपने निकट बिठाया, अपने नगर में घुमाया, सब लोगों को इसका रूप में दर्शन करा के इसकी वाहवाही कराई, लेकिन आज ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है और उल्टा कह रही है कि राजा मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे प्राण छूटे और मैं दूसरे के पास चली जाऊं। राजा को बड़ा आघात हुआ, राजा को बड़ा दुख हुआ, अब इस अति दुखी मन के साथ में राजा तीसरी रानी के पास चले गए। तीसरी रानी कौन थी? जिसके बाद जब कभी वो हारे थके आते थे दूर से तो बैठ के मन की बातें कहते थे, अपना सुख दुख बांटते थे। तो जब उस तीसरी रानी को राजा ने बोला कि हे रानी, अब मेरा निकट समय आ गया है, मेरे प्राण छूटने वाले हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो वो रानी कहती है कि हाँ मैं चलूंगी तो, लेकिन मेरी एक मर्यादा है, मैं उस मर्यादा को लांघ नहीं सकती। मैं हाथ घर के दरवाजे तक जो चौखट होती है घर की, मेन डोर होता है, वहां तक चलूंगी आपको और वहां से फिर टाटा बाय बाय, पर इतनी मेरी मर्यादा है, उस मर्यादा को मैं लांघ नहीं सकती। तो राजा बोला कि भाई ये तो चलना कोई चलना नहीं हुआ है, मैं तो चाहता था कि आप मेरे साथ मेरे पूरे सफर पे चलो, लेकिन आप अपनी मर्यादा में हो, आप नहीं चल सकती। तो राजा को इस बात से भी अति प्रसन्नता नहीं हुई। फिर राजा को याद आया कि मेरी एक और रानी है, चौथी रानी, लेकिन राजा अपने मन में सब कुछ आए कि मैंने जिनको अपना सारा जीवन दिया है तीन रानियों को, इन्होंने तो मना कर दिया, अब वो जो चौथी रानी है जिसको मैंने कभी पूछा नहीं कि तुमको कुछ चाहिए, जैसे महाराज जी अपने शब्दों में कहते कि तुमको तेल लगेगा या सीता कंगा लगेगा या कोई श्रृंगार की वस्तु लगेगी, रानी को मैंने कभी पूछा नहीं, तो उसने किस मुंह से मैं बात करूं कि तुम मेरे साथ चलोगे? तब पर भी राजा है, रानी उसकी पत्नी है, तो उस पति पत्नी के अधिकार अनुरूप राजा रानी को जाके बोलता है ये बात कि रानी अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं और मैं जानता हूं मैंने पूरे जीवन का कभी तुमको कुछ पूछा नहीं कि तुमको कोई वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं है, तब पर भी मैं आपको पूछता हूं कि आप मेरे साथ चलोगी? अभी मैं ये शरीर छोड़ने वाला, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, आप मेरे साथ चलोगी? तो रानी बोलती है कि महाराज मैं तो हमेशा ही आपका इंतजार करती थी लेकिन आप कभी आए नहीं, लेकिन आज आप आए हैं तो ये भी मेरा सौभाग्य है, हाँ मैं निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगी। जब रानी ने ऐसे बोला तो राजा तो एकदम उसके जैसे कहते हैं कि आंखों में आंसू आ गए। राजा सोचने लगा कि मैंने पूरे जीवन इसको कभी कुछ पूछा नहीं,
इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आज अपने जीवन के अंतिम क्षण में इस रानी को इस बात को पूछ रहा हूँ, तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं और तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं चलोगी, तब पर भी ये तैयार है मेरे साथ चलने के लिए। तो राजा इस भाव से एकदम आनंद विभोर हो गया और उस रानी को बोलने लगा कि तुम ही मेरी सच्ची रानी हो और मैं मूर्ख था जो पूरे जीवन मैंने तुमको कभी कुछ पूछा नहीं। तो ये एक छोटा सा कथा प्रसंग था एक राजा की चार रानियां। अब ये चार रानी कौन है और ये राजा कौन है इस बात को समझना है। तो महाराज जी बड़ा सुंदर इसका व्याख्यान करते हैं कि देखो समझना पड़ेगा हम सबको कि भैया ये जो चार रानी है ये कौन है और ये राजा कौन है। तो आप में से कोई समझ पाया इस छोटी सी कथा के माध्यम से कि ये राजा कौन है और ये चार रानी कौन है? तो महाराज जी जैसा बताते कि देखो ये जो चार रानियां है ना, ये जो राजा है, ये राजा तो ये आत्मा ही है, और ये जो चार रानियां है ये पहली रानी जिसको वो सारी वस्तुएं बिना मांगे देता था, ये हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर जो वस्तु की कामना करता है हम तुरंत उसको वो वस्तु दे के प्रसन्न कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। जैसे भाई लोग आजकल हम देखते हैं कि जिनका बड़ा वो चल रहा है ना बॉडी बिल्डिंग का और फिट एंड फाइन रहना चाहिए ऐसे करके तो जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो किस लिए कि शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए बलिष्ठ हो जाए सुंदर दिखे। ऐसे ही माताएं भगवान ने माताओं को सुंदर बनाया लेकिन और अधिक सुंदर दिखने के लिए वो अपने मन के अनुरूप मेकओवर कराने जाती है, ब्यूटी पार्लर से जाती है कि आप और सुंदर दिखे। तो क्या है कि अभी मन कह रहा है कि इस शरीर को ये चीजें चाहिए और मन ने बोला कि रसगुल्ला खाना है तो तुरंत चले जाएंगे रसगुल्ला खाने, शरीर को फिट रखने के लिए शरीर को सुंदर दिखाने के लिए सारी चीजें खान पान शौक सिंगार सब चल रहा है। तो ये राजा की कौन सी रानी है? पहली रानी जिसको उसने बिना मांगे सब कुछ दिया। तो ये शरीर जब छूटता है जब आत्मा निकलती है तो ये शरीर कितना चलता है उसके साथ में? एक कदम भी नहीं चलता। जैसे ही प्राण निकलते हैं प्राण स्वरूप भगवान निकलते हैं और शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, एक कदम भी नहीं चलता है ना, चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता ना। तो ये हमारी पहली रानी है। देखो हम लोग कितने मूर्ख हैं इस पहली रानी के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने समय को इसके पीछे पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं। और फिर राजा जब दूसरी रानी की कथा हमने सुनी तो ये दूसरी रानी कौन है जिसको अपने साथ वो रथ में बिठा के पूरा नगर भ्रमण कराता था, जो बहुत रूपवती थी बहुत सुंदर थी वो। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो हमारा धन वैभव है ना, ये जो हमारी श्री संपत्ति है, ये जो हमारा एक तरह का ऐश्वर्य है जिसका हम लोगों के बीच में जिसको हम लोगों के बीच में ये जो हमारा धन वैभव श्री संपत्ति एक ऐश्वर्य है कि हमारे पास में इतना सब कुछ है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों को पुनः पुनः उन चीजों को दिखाते हैं। जैसे मान लो किसी के पास में चार गाड़ियां हैं तो वो एक ही गाड़ी में नहीं चलेगा, एक दिन एक में चला गया दूसरे दिन दूसरे में, क्योंकि लोगों को दिखाना है अभी मेरे पास चार गाड़ी है। तो वो उस ऐश्वर्य को उस संपत्ति रूपी अपनी रानी को लोगों को दिखाता है और लोगों जब उसको देखते हैं तो उसकी वाहवाही करते हैं, इससे उसको बड़ी आनंद होता है, बड़ा उसका मन बलवान हो जाता है कि भाई देखो सब लोग मेरे को किस प्रकार से जानते हैं। तो जब शरीर छूटता है तो ये दूसरी रानी जो हमारी संपत्ति है जो हरी बोल श्री राधे श्री राधे। अरे भैया आप माइक को चले तो एक पंखा महाराज जी वाला चला दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तो ये जो हमारी दूसरी रानी है वो जो राजा की दूसरी रानी है उसका ऐश्वर्य है। तो ये क्या कहता है राजा को कि राजा साहब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे प्राण छूटे और मैं दूसरे के पास चली जाओ। अब ये दूसरे के पास कैसे जाएगी? जैसे मान लो मेरे पास खूब संपत्ति है, अभी जब मैं मरूंगा तो बिना लिखे भी ये सारी संपत्ति मेरे बच्चों को चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? मैं लिख के जाऊं या ना लिख के जाऊं तब पर भी ये मेरे बच्चों को चली जाएगी। तो रानी यही बात कहती है कि राजा साहब मैं तो इंतजार कर रही हूं कि जब तुम्हारे प्राण छूटे अगर दूसरे के पास चली जाऊं, तो ये संपत्ति एक कदम भी हमारे साथ नहीं चलती और दूसरे के पास चली जाती है।
तो समझ आया राजा की दूसरी रानी ये जो हमारा ऐश्वर्य है, पहली रानी थी ये शरीर, दूसरी रानी है ये जो हमारा धन धन वैभव ऐश्वर्य है। अभी तीसरी रानी की बात करते हैं, तो ये तीसरी रानी कौन सी थी? राजा जिसको आके अपने सुख दुख की मन की बातें कहता था, तो अभी तीसरी रानी कौन है? बोले कि हमारे जो कुटुंबी हैं, हमारी जो पति की पत्नी या पत्नी का पति और उनके बच्चे परिवार के जो लोग हैं, इनके बीच में हमारे मन में कोई कलेश हो तो हम किसके साथ में बात करेंगे? जो हमारा अपना होगा उसके साथ में बैठ के अपने दुख को हल्का करेंगे और सुख का वर्णन करेंगे, है ना। तो हम अपने हृदय की अपने मन की बातें अपने प्रियजनों के साथ में बैठ के उसको कहते हैं। राजा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो लाइट आ रही है जा रही है, लेकिन आप अपने मन को स्थिर करके रखो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर समझ में आ गया ना तो जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, कौन सी रानी की हम बात कर रहे थे? तीसरी रानी। तो तीसरी रानी कौन सी? हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, जिनसे हम अपने हृदय की बातें अपने सुख दुख को बांटते हैं कहते हैं। तब राजा कहता है उससे कि रानी अभी मैं मरने वाला हूं तो तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो क्या जवाब देती है, क्या कहती है वो रानी तीसरी? हाँ देखो प्रभु सुन रहे हैं बड़े गौर से, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ठीक है, लेकिन बोल नहीं रहे हो, बोलो भी, अभी लाइट चली जाएगी तो फिर बोलना शुरू कर दोगे, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं रहे हो ठीक है। अच्छा बहुत दीदी माता कह रही है कि उनके बड़े बैठे हुए तो बोल नहीं सकते, ठीक है ये भी अच्छी मर्यादा है, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरी रानी जो है क्या कहती है कि मैं चलूंगी तो जरूर, लेकिन चौपट तक चलूंगी। तो जैसे मान लो मैं ही हूं, मेरा शरीर अगर पूरा होगा तो मेरी स्त्री कहाँ चली जाएगी? सनातन संस्कृति का एक मर्यादा है ना कि स्त्री को घर के बाहर तक नहीं जाना है, तो वो चौपट तक ही जाती है। तो वो जो तीसरी रानी है चौपट तक ही जाकर उसको बाय बाय कर देती है ना, तो यहाँ तक उसकी मर्यादा है, वो चल नहीं सकती। तो हमारे कुटुंबी जो लोग हैं वो यही काम करते हैं बस। तो जो चौथी रानी है, अभी जो चौथी रानी है, अभी जो चौथी रानी है वो कौन थी जिसको राजा ने कभी कुछ दिया नहीं, पूछा नहीं कि तुमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी राजा उसके पास भी गया था ना, और उसने क्या जवाब दिया था कि राजा साहब मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप कब मेरे पास आओगे, कोई बात कहोगे, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। और जब राजा उसके पास जाता है पूछता है तो रानी क्या जवाब देती है? मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। लेकिन राजा ने हमेशा ही उसको अनदेखा करा, अवॉइड किया, उसको जाना नहीं, उसको कभी माना नहीं। तो चौथी रानी कौन है? नहीं हाँ, वो चौथी रानी है भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, है ना। हम सब लोग भी तो इसी रानी को अवॉइड कर रहे हैं, हम सब लोग इसी रानी को तो अनदेखा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं बताइए, आप सब लोग कर रहे हैं ना। यही रानी जो हमारे साथ चलने वाली है इसी को हम अनदेखा कर रहे हैं। तो हम मूर्ख हुए या बुद्धिमान? क्या हुए हम? बुद्धिमान। हम अति मूर्ख हैं, मैं तो हूं, आप लोग हो सकता है बुद्धिमान हो, मैं तो अति मूर्ख हूं कि ऐसी सुंदर रानी चौथी जो हमेशा मेरे साथ चलने वाली है, जन्म जन्म तक मेरा साथ देने वाली है, उसको मैं अनदेखा कर रहा हूं? तो मैं तो अति मूर्ख हूं, आप लोग बुद्धिमान हैं क्योंकि महाराज जी के निकट बैठे हैं और इन सुंदर बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हरि हरि बोल। जो चौथी रानी है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके रखा, फेंक करके रखा, ये भगवान का नाम है। जैसे किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ा भगवान का नाम जप करो, बोले जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे काम, बोले क्या है? बोले बहू सास की निंदा करे और सास बहू की निंदा करे, और टीवी को सामने बैठने के लिए बहुत समय,
स्मार्टफोन चैनल के बहुत समय है और कुछ माताएं अगर एक जगह पर बैठ गए फिर देखो घंटे घंटे कैसे बीत जाते हैं। बल्कि सब काम के लिए हमारे पास में बहुत समय है, लेकिन अगर बोले हरि का नाम कर बोले समय पता है हमारे पास समय कहाँ भजन के लिए। आप बताओ अंतिम समय में जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? अरे बोलो तो पीछे यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना। किसको सुनाते हैं? और जो ऊपर की ओर लेटा हुआ व्यक्ति जिसको जलाने के लिए ले जाते उसको ही सुनाते, बोले देख बेटा जीवन में जितने तुमने राम का नाम, जीवन में जितने तुमने कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ इकट्ठे किए हो यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने जीवन में मिला तो क्या मिला, बोले जितने राम का नाम जितने कृष्ण का नाम वही मिला और जगत में सब ही खुवायो, जगत में और सब कोई कुछ गया नहीं। बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन भरत सबाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, हरि की नाम जप करना है, यही धन ही असली धन है और यही धन ही हमारी काम में आएगा। आप लोगों ने कथा को समझ गए हो? कौन कौन समझ गए हाथ उठाओ। एक गांव की माताएं तो बहुत अच्छे हैं, बड़े जल्दी समझ जाती हैं। देखो ये चीज को समझो, समझना मतलब क्या है, ये चीज को समझो। जैसे आपको मैंने एक गिलास पानी मांगा, इधर देखो माताएं, आपको मैंने एक गिलास पानी मांगा, माता जी एक गिलास पानी दो, लेकिन आप मेरे को एक गिलास पानी नहीं दिया। मैंने कहा सुना कि नहीं, बोले सुन तो लिया, आप तो बोले एक गिलास पानी देने के लिए, लेकिन आपने एक गिलास पानी नहीं दिया, बताओ वो सुनना सुनना हुआ कि नहीं? अरे बोलो नहीं, नहीं हुआ ना, क्योंकि वो सुनना सुनना नहीं, आपने पानी नहीं दिया। उसी तरह हम समझ गए मतलब क्या है, आज से भगवान के नाम जप करनी चाहिए। इसलिए कहना कल कर सो, कल कर सो आज करो, अरे आज कर सो आओ, और पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब। इसलिए जितना जल्दी हो भगवान के नाम को आश्रय करके भगवान के नाम जप करनी चाहिए। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हो? कौन कौन सुने हो चैतन्य महाप्रभु का नाम? कम सुने होंगे, ये भगवान है। कलयुग में राधा कृष्ण दोनों भी करके ये महाप्रभु रूप में आए, एक दिन भक्तों ने उनको निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, लेकिन भगवान बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। क्या बनेगा? आज से 550 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब क्या? जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो। मैंने सुना जो गुजर है ना घर में बहुत सोना चांदी होता है, वो शादी में खूब सोना चांदी दान देते हैं, लगता है अवकाश में कितना होगा। इसलिए बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, फिर हमारे घर में भजन नहीं करोगे? देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ, जोर से बोलो मैं बिखरा हूँ गली गली। असली जो हीरा मोती है ठाकुर का नाम है, ठीक है ना। अब मेरे तरफ से देखो लखपति कैसे बनोगे, अब सबको मैं एक माला दे करके जाऊंगा, ठीक है, सबके सब एक एक माला लेकर के सब हरि का नाम जप करना, देख लो माला कैसे जप करके, देख लो मेरे तरफ में ध्यान देकर देखो। जैसे ये माला है, जैसे ये जो अंगुल है ना इसमें छूटे नहीं, क्योंकि ये अंगुल गर्भा अंगुल,
हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, बोलते हैं ना सबसे पहले ये निकलता, ये अहंकार का प्रतीक, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं। और ये जो बीच वाला अंगुल को परमेश्वर माता जी एक पानी देने वाली, एक पानी तुम भी खुद बैठे सुन लो, देख लो वहां बैठ जाओ, वहां पर बैठ जाओ, नहीं अच्छू बैठू वहां पर, वहां पर बैठ कर कथा सुन ले। हरे कृष्णा, देखो ये माला कैसे जप करोगे, जैसे बीच काल अंगुल को रखना, रख करके जैसे आप लोग मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके ना इसमें एक मोती सरकेगा, ठीक है, फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, दो मोती सरकेगा, फिर तीन मोती सरकेगा, करते करते यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा, ये अंगुल को पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण का रूप है, ये सुमेरी नहीं करके फिर घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना, देखो एक लाख कैसे होता है, ध्यान करके करो, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया, और इसमें 108 मोती है, अगर इसको हमने इसे 16 राउंड कर लिया, 16 माला कर लिया, हो जाता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर लिया ना, हो गया 1,00,000, ठाकुर जी खुद कहते हैं, बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं जबकि तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई, ये भगवान खुद कहते हैं, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, इसलिए मीरा कहती हैं, दीना दीना बरत सबायो आयो जी मैंने राम रत धन पायो, आज अगर 1,00,000 किया तो कल तुमको 1,25,000, 4 दिन में 2,00,000, ये सब तुम्हारी कापी में ना ऊपर में सब ठाकुर जी को पास में सब डिपोजिट हो रहे हैं, जब सैलरी छूटेगा ना देखोगे माला ही माल है तुम्हारे पास में, सीधा ठाकुर जी को पास में रथ आएगा तुमको लेने के लिए, सीधा रथ आएगी तुमको लेने के लिए, जो व्यक्ति हरि का नाम लेते हैं वो कभी नर्क नहीं जाओगे, कभी नर्क नहीं जाओगे, सीधा ठाकुर जी को पास में जाओगे, ठीक है ना, आप बताओ कौन ठाकुर को पास में जाना चाहते हो, सबके सब चाहते हैं, अगर चाहते हो तो क्या करो, ठाकुर जी की नाम जप करो, हाँ इधर देखो कि जो हरे, ये हरे मतलब क्या है, ये हरे मतलब होता है जो हमारी समस्त दुख कष्ट को जो हर कर ले, दुख कष्ट से तो दूर कर ले, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब क्या है, जैसे मन में कभी कभी शांति नहीं मिलती है, मन इधर उधर भटकता है, लेकिन जब कृष्ण नाम तो बाकी करते, इसलिए जब कृष्ण नाम लेते हैं ये मन को शांति मिलती है। बोले राम मतलब क्या है, बोले जीवन में हमें जो आराम दे, क्या दे जीवन में, बोलो जीवन में क्या दे, आराम, अगर प्रभु का नाम करोगे ना दुख दूर जाएगा, मन को शांति मिलेगी और जीवन में हमें आराम मिलेगा, यही तो हम चाहते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, इसलिए भगवान के नाम से सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए अब सबके एक एक माला दे जाऊंगा, ठीक है, कौन कौन माला करेगा, हाथ उठा तो कौन कौन माला जब करेगा, हाथ उठा भाई हाथ नहीं उठाए क्या चेक करेगा, इसलिए इसलिए एक भजन में कहते हैं, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है, दिल वाले मतलब क्या, जिसका दिल मजबूत है ना, जिसका सचमुच से दिल है वही लोग ही ठाकुर को नाम जप कर सकते हैं, जिसका दिल है नहीं वो कैसे करेगा, इसलिए वो कर नहीं सकता है प्रभु का नाम, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
बोले अर्जुन मेरे नाम को कौन जप कर सकता है? बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने मेरी अर्चन पूजा की है वही व्यक्ति ही मेरे नाम को जप कर सकता। जो करोड़ों करोड़ों जन्म का जिसकी पुण्य है वही भगवान की नाम ले सकते हैं। इसलिए सबके सब क्या करना, हरि के नाम जप करना और जीवन में सुखी और शांति में रहना। बोले श्री वृंदावन की हरी लाल की, जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन की हरी लाल बाबा की। आप लोग एक माला देखते हैं, माला माला कहाँ पाती रहोगे?